हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शाम के 4 बज रहे हैं, 4:07 हो चुके हैं। और हाँ, मैंने ना उधर कपड़े रखे हैं कुछ, क्योंकि इतने सालों बाद मैं जा रही हूँ अपने घर राखी बांधने के लिए अपने भाई को। एक मिनट, ये चप्पलें वगैरह सब निकालनी ना, तो वो बीच में पड़ी हुई थी, मैं इनको साइड कर दूँ। मैं बात चलते वक्त भूल जाती हूँ, तो ये वाली चप्पल निकाली है। और इधर ये कपड़े हैं जो लेकर जाने हैं, पैक करने हैं। और साथ में मुझे अभी अपने भी कपड़े निकालने हैं। मैं साड़ियाँ निकालूंगी अपने लिए, क्योंकि मैं साड़ी पहनूंगी, त्योहार है। और फिर मम्मी बोलेंगी सबकी लड़कियाँ ऐसे आती हैं, तुम ऐसे आती हो, तुम ये करके आया करो, तुम वो करा करो, तुम साड़ी पहना करो, सूट मत पहना करो, त्योहार है, त्योहार के तरीके से करना चाहिए। तो मैं मम्मी को नाराज़ नहीं करना चाहती हूँ, तो इस वजह से मैंने कहा साड़ी निकालेंगे। बच्चों के कपड़े कर लिए हैं, विपिन अपनी जीन्स वगैरह देखेंगे कैसे करेंगे, क्या रखना है वो खुद ही बताएंगे। बच्चों को भी खुद ही पूछा गया, भैया तुम बताओ। बस नाइट का था विपिन का, उनका वो एक कैपरी रख ली है, एक टी शर्ट रख ली है, बाकी अब वो पहनने वाले देखेंगे। बच्चों के भी रख लिए हैं, अभी मैं अपनी साड़ी देखूंगी। बच्चे गए हैं ट्यूशन, और आज इस टाइम मैंने अपना व्लॉग शुरू किया, सुबह से नहीं किया था, क्योंकि सुबह क्या होता है, एक तो आजकल मेरी वीडियो की एडिटिंग भी सुबह में हो रही है, दूसरी चीज़ फिर तन्मय की क्लास होती है उसको पढ़ाना होता है, फिर उसको जो ट्यूशन का होमवर्क वगैरह मिला है वो देखना होता है, फिर उसको थोड़ा सा पढ़ाना होता है, तो वो सारी चीज़ें हो रही होती है। और अगर उस टाइम आपने मैंने वीडियो शुरू कर लिया तो तन्मय ना वो हो जाता है, मम्मी कुछ नहीं बोलेगी। तो अभी मेरे को अपने लिए सामान निकालना है बेड के अंदर से। और मैं एक बात बताऊँ आपको, राखी बांधने चलती मैं अपने भाई को, लेकिन मैंने अभी तक राखी नहीं खरीदी। कल मार्केट जाना था, मैं नहीं गई। आज शनिवार है, शनिवार को यहाँ पे मार्केट बंद होती है, लेकिन राखी की दुकान लगी होगी। मेरे को ना एक अजीब सी चीज़ होती है, मैं राखी खरीदती हूँ ना, मैं बहुत ही कम राखी खरीदती हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊँ, विपिन को मैं फ़ोन कर देती हूँ, ये राखी खरीद कर लाते हैं, क्योंकि मेरे को ये होता है कि ये राखी मैं अपने भाई के हाथ पे बांधूंगी, ये राखी मैं अपने भाई के फोटो के आगे रखूंगी, तो बड़ा मुझे वो रहता है, वो जो मन में चीज़ है ना कि ऐसा क्यों हुआ, फिर वो ताजी हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, काश ऐसा ना होता। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं, फिर वही वाली बात है। तो इसीलिए अभी तक राखी नहीं खरीदी, रस्ते से खरीद लेंगे। और पता है आप लोगों को, लास्ट बार मैं राखी बांधने अपने भाई को शायद 2013 में गई थी, क्योंकि साल का पहला त्यौहार था ना, जो बोलते हैं कि त्यौहार उठाना बोलते हैं मेरे पापा, और भाई के बाद जैसे त्यौहार उठाना होता है, तब मैं गई थी। और उसके बाद शायद अब जाऊंगी मैं 2021 में। इतने सारे साल बीत चुके हैं, अब इस बार ऐसा होगा कि मैं अपने भाई को अपने हाथ से राखी बांधूंगी। मेरा मन ही नहीं होता था, मेरा राखी खरीदने को मन नहीं होता था। विपिन उधर के उधर राखी लेते थे अपने ऑफिस के से निकल के, और वहीं के वहीं वो कोरियर कर देते थे। मुझे ये भी नहीं पता होता था उन्होंने कौन सी राखी खरीदी है, कैसी राखी खरीदी है, बस मैं ये बता देती थी कि इतनी राखी खरीद लेना और इतनी राखी आप पोस्ट कर देना, बस इतना पता होता था मुझे। मैं नहीं जाती थी, मुझे मुझे बहुत वो होता था कि मैं कैसे, मैं मतलब आप समझ सकते हैं, जिनके साथ ये चीज़ हुई है वो अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज़ को। मेरे से नहीं होता था, बहुत हिम्मत करके। मेरी मम्मी को अभी भी यकीन नहीं है कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि मैं इतने साल अपने घर गई ही नहीं राखी बांधने के लिए। मेरे घर वालों को यकीन नहीं हो रहा है मैं जा रही हूँ, तो वो बार बार पूछ रहे हैं तू पक्का आ रही है ना, पक्का आ रही है ना। मैंने कहा हाँ मैं आ रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, कब तक कब तक। मेरे ख्याल से 7-8 साल हो चुके हैं, बहुत लंबा टाइम है, कभी तो ये शुरुआत करनी थी, तो चलो इसी साल करते हैं। जो चले गए उनकी कमी, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन जो है उनके लिए ये सब। आप मुझे हर रक्षाबंधन पे बोलते हैं, जब से आप लोग मुझे जानते हैं, जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है, 2-3 साल हो चुके हैं, 3 साल हो जाएंगे सितंबर अक्टूबर में। तो चलिए अभी मुझे पैकिंग करनी है, साड़ी वगैरह निकालनी है, चूड़ी देखनी है, क्योंकि साड़ी के साथ फिर चूड़ियाँ वगैरह अच्छी लगती हैं, तो वो सब करूँगी। और कपड़े वगैरह धुले थे कल, आप लोगों ने देखा होगा जो वीडियो आप देख चुके हैं इससे पहले, तो
तो कुछ कपड़े ऊपर डाल दिए थे मैंने, उतार लाई हूँ उनको, सेट कर दिया है, सेट बड़ी मुश्किल से किया है, कुछ सूख गए हैं उनको रख दिया है, स्टैंड इधर खड़ा कर दिया है, ये अपना काम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं 6 बजे या 6:30 या 6 से 7 के बीच में कब निकलते हैं। तैयार हो चुकी हूँ और मैंने ये वाला ही अपनी कुर्ती डाल ली है। पहले मैं साड़ी का सोच रही थी, फिर मैंने साड़ी नहीं पहनी, मैं कड़े पहन रही हूँ ये वाले, बहुत अच्छे लगे ये कड़े मुझे। और झुमके वगैरह सोच रही थी, फिर मैं ये रख रही हूँ अगर मन करा थोड़ी देर के लिए। मेरा मन तो बहुत करता है इस तरह की चीज़ें पहनने का, बहुत मन करता है लेने का भी और पहनने का भी त्योहारों पे, शादी ब्याह में, लेकिन कुछ टाइम ही पहन पाती हूँ फिर चेंज कर लेती हूँ। तो कुछ टाइम के लिए ही रखनी है ये, मैंने थोड़ी देर के लिए ही सही पहन तो लूँगी, मन तो करेगा। हाँ वो है कि हैवी है तो कान दुखेंगे, कोई बात नहीं फिर उतार देंगे। तो ये वाले रख लिए हैं मैंने, अच्छे लगेंगे। हालांकि वो साड़ी देखते हैं कौन सी पहनूंगी मैं कौन सी नहीं, नेल पेंट लगाया नहीं है तो ये रख रही हूँ साथ में। नहीं तौलिया, इसे ऐसे ही डाल लियो, मैं भूल गई थी एकदम, मुझे ये तौलिया देख के याद आया, इसे ऐसे ही डाल लियो बस। पापा को भेजिए 1 मिनट। तैयार हो चुके हैं, सारी तैयारी हो चुकी है और बस निकलते हैं। 6:15 हो रहा है लेकिन मौसम देख के नहीं कह सकते 6:15 हो रहा है, क्योंकि मौसम अच्छा हो रखा है। तो चलो भाई चलते हैं। लाइट बाहर की जला दी। तो अभी क्या हुआ, मुझे लगा कि देहरादून से जाएंगे, पिछली बार भी हम लोग देहरादून से गए थे हापुड़, लेकिन इस बार इन्होंने गाड़ी मोड़ी सहारनपुर की तरफ, मतलब टिमली वाले जो जंगल आते हैं उधर से। मेरे को लगा हम इधर से ही जाएंगे, अब की बार भी घर पे भी बात यही हुई थी तो इनका समझ ही नहीं आता है, आप जाके जो है फिर इन्होंने दोबारा गाड़ी मोड़ी। हाँ और मैं घर पहुंची, मैं बाहर थी क्योंकि मैं घर पहुंची, मैंने देखा विपिन बिल्कुल तैयार बैठे हैं, क्या बात, बड़ी खुशी है ससुराल जाने की। मम्मी का फोन आया, कह रहे मेरे फोन पे भी आ रखा था, मैंने भी देखा, मम्मी की मिस कॉल थी, बात हो गई थी ना आपकी, तो फिर मैं भी अभी कॉल कर लेती हूँ। चलो सुनाई देगा, चलो फिर चलते हैं, यात्रा शुरू हो चुकी है, पूरे 5 घंटे लगाकर चलिए। जब शादी हुई हुई थी तब तो 5-6 घंटे लग जाते थे क्योंकि रस्तों का इतना पता नहीं था। हाँ जब जिस रस्ते का आपको पता चल जाता है फिर वो रास्ता इतना नहीं लगता है, अब 5 घंटे लगता है, 4:30 भी लग जाता है कई बार अगर ट्रैफिक ना मिले तो। पहुंचे होंगे या नहीं पहुंचे, अभी तो सहसपुर में ही है, यहाँ पे बहुत सारा जाम लगा हुआ है, ये नहीं समझ में आ रहा क्यों लगा हुआ है, चेकिंग वेकिंग हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, जाम लगा हुआ था। हाँ यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है, कुछ हुआ है क्या यहाँ पे, इतना जाम कैसे लग गया, कुछ हुआ बात है, इतनी भीड़ है, मतलब ये देखो साइड में आप।
जाम लगा हुआ है, हमें भीड़ लग रही है, राखी की दुकान पे भी लोग हैं, और अभी एक दुकान थी डेरी जैसी दुकान थी वहाँ पे ना औरतें खड़ी हुई थी, उनके दामाद आने वाले होंगे कल या आज, तो नमकीन बिस्किट पनीर दूध दही लेके जाया जा रहा होगा भैया, जिनकी लड़कियाँ पहली बार है, लड़कियाँ तो कितनी बार भी आए माँ बाप पूरे लगे रहते हैं, भैया जमाई आ रहा है, लड़की आ रही है, ये करो वो करो, तो भीड़ है मार्केट में, त्योहार की रौनक दिख रही है। ये देखो मिठाई की दुकान में भी, ये अलका स्वीट शॉप है यहाँ, ये भीड़ है मार्केट में, भीड़ है। एक का तो मुझे पता है मेरठ वाले का, बीच में शायद एक आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, तीन हो गए हैं बीच में, एक अगर हम यहाँ से ना आते तो ये फिर दो ही पड़ते, यहाँ से आने के चक्कर में ये 40 का देना पड़ा है, और टाइम हो चुका है 8:23, और चांद देखो उधर कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी एक टोल गए हुए कितना टाइम हुआ होगा, मैंने आप लोगों को टाइम भी बताया था, और अभी 8:31 हो गए हैं, दूसरा टोल भी आ चुका है सामने, यहाँ पे कितने लिखे हुए, कितने 40-85 होंगे यहाँ पे, 200 क्यों, ये आने जाने का डबल वे है। अच्छा यही से आएंगे हम आते हुए भी है, आने जाने का कटेगा, आने जाने का वहाँ पे नहीं था दूसरे में, फास्टैग है अपना पार्ट है। अच्छा नगद है तो कैश देना होगा, देंगे, दूसरा आ गया इतनी जल्दी, आप सीधा मेरठ आएगा, एक और आएगा, तो चार है इसका मतलब, ये दूसरा है अभी दो और है, तन्मय बदतमीज, द टिकट इज वेरी एट रोहाना, क्या 10 रुपए, यहाँ भी तो पड़े थे 10 रुपए, यहाँ भी तो है, ये रे ये किस लिए है, ये किस लिए थे, ये किस लिए है, ये भी वही है, खुले यहाँ रख दो। तन्मय गुड को भूख लग रही है बहुत तेज, कितनी लग रही है, पिज्जा खाना, पिज्जा यहाँ थोड़ी रस्ते में मिलता है, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा पिज्जा, खाना खाएंगे फिर पूरा गणपति में रुक के। एक और टोल आ गया, तीसरा टोल है, ये मुजफ्फरनगर शुरू होने वाला है 10-15 किलोमीटर में, यहाँ लिखा होगा कितने किलोमीटर है, मम्मा भूख लग रही है। हाँ तो बेटा पर्ची क्यों दिखा रहे हो, एक ही पर्ची दोनों जगह चल जाती है, फिर तो सही है, तुम तो करते लौट फिर के दोनों जगह है ना, यहाँ भी है वहाँ भी, मतलब आते हुए भी यही काम कर जाएगी कल, 24 घंटे के लिए होती है बस ये, 24 घंटे में आ, मतलब कल 9 बजे से पहले पहले हम यहाँ को पार कर गए, और उससे आगे वाला तो 9 बजे से पहले भी पार करना पड़ेगा, वो 8 बजे से पहले पार करना पड़ेगा, चलो देखते हैं, जाएंगे नानी के घर, मम्मी वहाँ पे, कितने खुश हो नानी से मिलने के लिए, बात हो जाऊंगी नानी हमसे मिलने के लिए।
नानी तो खुश होगी, तन में कितना खुश है नानी से मिलने के लिए। बहुत ज्यादा पिज्जा की क्या रट लग गई आज इसको। मुझे कुछ खाना है और कुछ जरूर खाना है। ये देखो राखी तो दिखा दे, कमजोर सा हो गए। किसे मार ली? गरीमारी कड़ी चावल ले आती मैं तो तन्मय के लिए रख के। किसने बांध दिया खड़ा तेज बोल? किसने बांध दिया राखी? गरीमारी दीदी और कौन दीदी ने? तन्मय को तो राखी बंद भी गई। ऐसा नहीं कर, गुड्डू को नहीं मारी। गुड्डू को बांधेगी थोड़ी, गुड्डू तो बांधेगी ना। गर्ल्स बांधती है बॉयज को, भाई को अपने बहने। दो बन गई मम्मी और मुझे दो संभाली भी आ रही। बस मम्मी दो बन गई और नहीं संभाली जाएंगी। गुड्डू से नहीं बनवाएगा? भूमि भी दी, भूमि दीदी बांध देंगी, गुड्डू दीदी बांध देगी, मैं भी बांध दूंगी अगर तन में बनवाएगा तो। सारे हाथ भर तीन तीन यहाँ पे दो तीन। हाँ उतर जाते हैं, से उतरिए, पानी सा हो रहा है यहाँ पे। तो पहुँच चुके हैं, खाना खाएंगे पहले, इन्हें बहुत भूख। मेरा पर्स। खाना खा लिया है, अब आइसक्रीम खाएंगे। बच्चों को लग रही है ना आइसक्रीम खानी है। पहले मम्मी हम पॉन्ड भी ले सकते हैं? पॉन्ड कौन सी? पॉन्ड वाले नहीं, कॉर्न मॉर्न नहीं, बस एक ही चीज ले लो। पापा कहाँ गए? ये रहे इधर, आइसक्रीम खानी है। चाहिए मुझे टूटी फ्रूटी वाली कॉर्न चाहिए। क्या दिख रहा है वहाँ? क्या दिख गया बता दे। निकल ले उधर गाड़ी। नहीं नहीं क्या खरीदना था? तन में गंदी बात है, गंदी बात है। हाँ खरीदना ऐसे नहीं, नहीं खानी। तन में ऐसे थोड़ी होता है। पापा नहीं, नीचे हो गई। तो अभी ना हमने देखा रास्ते में ना एक एक्सीडेंट हो रखा था मुजफ्फरनगर में ही ना। वैसे तो मुजफ्फरनगर से निकल गए, खतौली आ रहा है। ये जो मैकडोनल्ड है ना, इससे लगभग द मैकडोनल्ड से पीछे जाके वहाँ भीड़ हो रखी थी, पुलिस वगैरह वाले खड़े हुए। अभी खुला हुआ डोमिनोज़ ना, वहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा था। बड़ा दुख होता है सारी चीजें देख के, पता नहीं किसका भाई होगा, किसका बेटा होगा, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे उसके, बहुत दुख होता है। रखने के लिए
यही है बस। मेरा हाथ पकड़ लो यार, मैं तो मेरा हाथ थोड़ी छोटी है, जल्दी जल्दी दे ना बस। ये क्या है, बेसन के लड्डू और क्या क्या मिठाई है। मेरा घर चल दी थी रक्षाबंधन पे, लेकिन राखी नहीं थी मेरे पास। मैंने सोचा तो रास्ते में ले लूंगी, फिर देहरादून में बहुत भीड़ हो रही थी उधर, तो निकल गई। मैंने कहा आगे ले लूंगी, आगे जहाँ भी देख रहे थे हाईवे पे तो कहाँ थी, फिर यहाँ मेरठ में मिल गई, ले ली यहाँ पे। राजस्थान वाले मिठाई वाले थे, मिठाई भी ले ली। मैंने कहा मिठाई भी ले लेते हैं, सुबह तक क्या होगा, फ्रिज में रख देंगे। और वैसे भी ना खाली हाथ नहीं जाते, या तो मतलब हाथ में कुछ फ्रूट्स हो, बिस्किट हो, मतलब कुछ हो, त्योहार है, वैसे भी नहीं जाना चाहिए ना खाली हाथ। तो इसलिए मैंने कहा चलो मिठाई भी ले लेते हैं। तो चलो घर चलते हैं, यहाँ से मुश्किल से ही रह गया होगा 20-25 किलोमीटर, 32 किलोमीटर है यहाँ से। चलो चलते हैं, यहाँ पे ये है संतो हॉस्पिटल है इधर, मेरठ वाले होंगे वो तो जानते होंगे। एक ही आ गया और चश्मा आ गया मेरा। तो पहुँच चुके हैं अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में पहुंच चुके हैं भाई। आ गया है हापुड़। अभी हम कहाँ पे हैं, इसीलिए रात को लाई हूँ। मैंने कहा फिर विपिन मुझे बोलेंगे कितना छोटा रोड है, कैसे निकालूं, बड़ी मुश्किल होती है। मतलब मुझे नहीं बोलते हैं, खुद बोलते रहते हैं गाड़ी चला के, तो फिर मेरे को लगता है बड़े आए बड़े रोड वाले। अब बताएंगे इन्हें घर चल के। चलो तो रोड बहुत चौड़ा है। हाँ होगा। नमस्ते मम्मी, आग आया दिख है। मेरे गाड़ी मोड़नी है। मैंने कहा भाई मेरे पैर पे नहीं चढ़ानी, देखो जग रही है। तू कह रही है आई ना, कोई कि आई ना यार। और ठीक हो? ठीक कह रही थी आई ना भी मैं ही बैठी हूं। चलो रे गाड़ी आ दो क्या। मैं तो कह रही कोई आ गया, मैंने कहा नहीं आ रही, कह रहे मोड़ के लाने। चलो मोड़ना, मम्मी आ जाएंगी। कह रही आ जाओगे? नहीं मोड़ पर ही करेंगे। वो कह रही थी मोड़ के निकाल लो सामान। चलो बजे पहुंच गए थे, 12 बजने में भी टाइम था, 8 मिनट थे 12 बजने में। तो पहुंच चुके हैं हम और बस अब सोएंगे, चेंज वेंज कर लिया है। बच्चे तो दोनों पागल हुए पड़े हैं खुशी में, वो तो भूमि को छोड़ नहीं रहे। मैंने कहा चेंज कर लो, ना चेंज नहीं करना। ये देखो नानी के घर की बात ही होती है। अगर क्या हो गया मम्मी, ऐसे गया होगा ना टच कर गया। क्या हो गया? अच्छा अच्छा बस बस बस। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। नाउ मैं आज कर रही हूं। चलो बाय, गुड नाइट। बाय बाय करो, गुड नाइट करो। बाय बाय।